कुंतलपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रातःकाल उठ करके स्नान करके और हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने के बाद ही अन्न को ग्रहण करता था। ब्राह्मण बहुत ही नेक इंसान था और सबका भला करता था। उसी गांव में उसका ही एक चचेरा भाई रहता था, जो ब्राह्मण के इतने उन्नति देख करके जलता था। एक दिन जब ब्राह्मण सब सुबह सवेरे उठ के मंदिर की ओर चला गया, तो उसी का चचेरा भाई उसके घर पे आ करके और सारे सामान को बिखेर के चला गया। जब ब्राह्मण उधर से आकर के अपने घर की यह दशा को देखी, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सारे सामान को एक जगह करके और फिर से अपनी अपनी जगह पे रख दी। इस तरह से समय बीतता चला गया और उसका चचेरा भाई अब ब्राह्मण से और भी जलने लगा। एक दिन जब ब्राह्मण अपने मन से पूजा पाठ में लीन था, तो उसका चचेरा भाई वहां गया और उसका पूजा भंग करने के लिए उसके पूजे से सारे सामान इधर उधर बिखेर दिया। ब्राह्मण बेचारा बहुत ही दुखी हुआ कि आखिर ये ऐसा कौन कर सकता है जो मेरा पूजा का सामान भी इधर उधर कर दिया। जब ब्राह्मण अपने घर आया, तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई उसके घर में कुछ ताक झांक कर रहा है। ब्राह्मण समझ गया था कि यह उसका चचेरा भाई ही है जो यह सब कर रहा है। ब्राह्मण ने मन ही मन हनुमान जी से गुहार लगाई कि हे बजरंगबली, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं निःश्रद्धा होकर आपका पूजा करता हूँ, तो मेरी सारे कष्ट को दूर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है। इस तरह से ब्राह्मण बोल करके अपने घर में कार्य करने लगा। इसी तरह से समय चलता गया। उसका चचेरा भाई उसे इसी प्रकार तंग करता था। एक दिन जब हनुमान जी को रहा नहीं गया कि उसके इतने बड़े भक्त रोज पूजा करने मेरे मंदिर आता है और मैं उसके साथ ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। इस तरह से हनुमान जी एक साधु का रूप लेकर धरती पर आए। वह साधु का रूप लेकर ब्राह्मण के घर के बाहर में जा करके बैठ गए। ब्राह्मण बाहर आया और देखा साधु को, तो उसने तुरंत ही कुछ खाने को और पीने को उसे दिया। साधु खुश हुए कि ब्राह्मण ने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कौन हूँ नहीं हूँ, और मुझे खाने के लिए दिया। इससे वह और भी प्रसन्न हो गए और ब्राह्मण मंदिर की ओर चला गया पूजा करने। तभी उसका चचेरा भाई वहाँ आया और उसने देखा कि कोई साधु वहाँ पर बैठा हुआ है। उसने साधु को देख करके और ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया, सामान फिर से इधर उधर बिखेर दिया और अपने घर की ओर चला गया। लेकिन इस बार जब ब्राह्मण अपने घर आया, तो देखा कि सब कुछ ठीक है और साधु जी वहीं पर बैठे हुए हैं, क्योंकि साधु ने हनुमान जी का रूप लिए हुए थे और उन्होंने सारे सामान को एक जगह पर एकत्रित कर दिए थे। जब उसका चचेरा भाई यह सब देखा, तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर यह कैसे हो गया, मैंने तो सारे सामान को इधर उधर बिखेर डाला था। इसी तरह से समय बीतता गया। चचेरा भाई रोज ऐसे करता था और साधु जी वहाँ पे सारे सामान को ठीक कर देते थे। लेकिन हनुमान जी से एक दिन रहा नहीं गया और उन्होंने सोचा कि इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वह जब ब्राह्मण के घर आया, तो वह जैसे ही सारे सामान को बिखेर देता था, अपने घर जाता था, तो उल्टा उसी के घर का सारा सामान बिखरा मिलता था। वैसे ही 3-4-5 दिन होता रहा। अब चचेरा भाई उसका समझ गया था कि यह साधु जी जो हैं, वह कोई आम नहीं, चमत्कारी हैं।
और वह समझ गया था कि मैं जो कर रहा हूँ, कि मेरा भाई इतना भोला है तब भी मैं उसके साथ इतना अत्याचार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यह सजा मिल रही है। अब उसका चचेरा भाई समझ गया था। अब ब्राह्मण प्रातःकाल सुबह उठ के हनुमान जी का पूजा पाठ करके इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा था। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारे साथ ही खुद बुरा होता है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।